हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजगार वे। आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के क्वेश्चंस को देखेंगे। यह पेपर 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस IP, FTP, TCP या UDP। तो इंटरनेट में एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल ट्रांसफ़र यानी स्थानांतरित करने के लिए FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन पर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में किसी सेल में फॉर्मूला इक्वल टू 16:2:3 का परिणाम होगा। तो 2:3 मतलब 2^3 यानी कि 8, और 16:8 का मतलब 2, यानी कि करेक्ट आंसर है 2। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन CTRL+V, CTRL+Z, CTRL+C या CTRL+X। तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में क्लिपबोर्ड कंटेंट को पेस्ट करने के लिए CTRL+V को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस IP एड्रेस, कंप्यूटर का नाम, लोकेशन एड्रेस या इंटरनेट एड्रेस। तो इंटरनेट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस फॉर्मेट प्रिंटर, फिल हैंडल, क्लियर फॉर्मेटिंग या ऑटो फॉर्मेट। तो MS Excel में उसी रो या कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी पेस्ट करने के लिए फिल हैंडल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित किए जाते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन या सुपरस्क्रिप्ट। तो MS वर्ड में किसी टेक्स्ट की लाइन के ऊपर यानी कि किसी भी टेक्स्ट के लाइन के ऊपर छोटे अक्षर को अंकित करने के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। MS वर्ड में पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पैराग्राफ पर ट्रिपल लिंक, पैराग्राफ पर डबल लिंक, पैराग्राफ पर अल्ट प्लस क्लिक करें या पैराग्राफ पर CTRL+K करें। तो किसी भी पैराग्राफ पर अगर ट्रिपल लिंक करने से पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। MS Word 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, डिफ़ॉल्ट रूप से MS Word डॉक्यूमेंट को खोलने पर इसमें कोई पेज नहीं होता। एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज़ बटन पर न्यू क्लिक करें। किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर क्लिक करें या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी CTRL+F होती है। तो MS Word में डॉक्यूमेंट को खोलने या बंद करने से रिलेटेड यह है कि किसी भी नई फाइल को खोलने के लिए विंडोज़ बटन में न्यू पर क्लिक करना होता है। यह सेंटेंस सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। MS Excel की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संबंधित करता है, यानी एक कॉलम या एक रो के इंटरसेक्शन को जो संबंधित करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस वर्कबुक, सेल,
फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स। तो ये इंटरसेक्शन है रो और कॉलम का, इसे हम सेल कहते हैं, जो कि एक्सेल में यूज होता है। ऑप्शन टू इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शंस जीमेल, कूलमेल, याहूमेल या हॉटमेल। तो जीमेल, याहूमेल और हॉटमेल ये तीनों ही ईमेल के लिए यूज़ होते हैं, यानी सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन कूलमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, इसलिए ऑप्शन टू इज़ करेक्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक करें, और आगे की वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।